एनी को बर्खास्त किया जाए तत्काल, जब उनके खिलाफ हिंसा का आरोप तय हो चुका है, एसआईटी जांच कर चुकी है, पत्रकारों से बदसलूकी होगी, जो नहीं बर्खास्त किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज इसी मांग को लेकर यहां पर आज विधानसभा तक मार्च निकालने का काम किया। एनी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को जारी रखेगी। रोकने की कोशिश करे, कुछ भी करे, जब तक बर्खास्त की नहीं होगी, इसे विधानसभा में भी उठाएंगे और मजबूती से इस लड़ाई को अंजाम तक। आज विधानसभा के अंदर आप क्या करेंगे? अंदर भी करेंगे, बाहर भी कर रहे हैं। और एसआईटी की रिपोर्ट में आदरणीय राहुल गांधी जी कल संसद में बोलना चाहते थे, उनको नहीं बोलने दिया। कल एक पत्रकार ने सवाल पूछा, उसके साथ ही सरकार ने बर्खास्त। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी अपमान नहीं सहेगी, किसानों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर भी संघर्ष करेंगे और सदन में भी मजबूती साथ उठाने का काम करेंगे। से पत्रकारों को धमकाया, मारने के लिए दौड़ाया, इसके पहले मेन जनरल को गृह राज्य मंत्री का बेटा साजिश करके किसानों को चलता है और सरकार उन्हें बचाने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी उनके बर्खास्त करने की मांग करती है और ये मांग आज कल भी फलक पर थे, आज भी फलक संघर्ष कर रहे हैं, इस मुद्दे को फौरन उठाएंगे। और रही योगी सरकार की पुलिस की बात, जैसा मुखिया वैसी उसकी सरकार, जैसा अलोकतांत्रिक मुख्यमंत्री वैसे अलोकतांत्रिक उनकी पुलिस, वक्त पे इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी और जिस तरह से पुलिस हरकतें करती सदन में से पूछेंगे। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।